हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक्यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। इनका किस्सा कुरान करीम में एक अनोखा किस्सा है। उनके वालिद का नाम मता था और आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जनून भी कहा जाता है, यानी मछली वाले। इस तरह आपको साहबल हूद भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको इन नामों से पुकारा है। आपको एक अजीम बस्ती की तरफ मबूस किया गया। इस बस्ती का नाम नीनवा था। ये इराक के शुमाल में वाकिया थी, मोसल के बिलमुकाबिल थी। इन दोनों के दरमियान दरियाए दिजला वाकिया था, जबकि इसके बिल्कुल सामने ही नीनवा की बस्ती थी। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नीनवा के बारे में और उनके असारो वाकियात के बारे में लिखा है जो उनके जमाने में मौजूद थी। वहाँ कुछ बुत मौजूद थे जो औंधे मुंह गिरे पड़े थे। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा की तरफ रसूल बनाकर भेजा। सूरत साफात में 139 आयत में है, और बेशक यूनुस रसूलों में से थे। आगे अल्लाह ताला 147 आयत में फरमाते हैं, और हमने उसे 100,000 बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा, यानी उनकी तादाद 100,000 से ज्यादा थी, और ये सब के सब लोग काफिर थे, यानी वो अपने कुफर पर ही डटे रहे। फिर उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म और जबर शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी, मुसाइब से दोचार किया। आखिर आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फला दिन तुम पर अजाब आएगा। फिर खुद गुस्से की हालत में उस बस्ती से चले गए, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें मुतय्यन दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, लेकिन इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। सूरत अंबिया आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे पकड़ न सकेंगे। इन्हीं दिनों में अजाब इलाही की कुछ इलामात नीनवा बस्ती में जाहिर होना शुरू हो गईं। एक बहुत बड़ा स्याह बादल उनकी तरफ भरने लगा। उस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। इन लोगों ने ये बादल मुतय्यन दिनों में से पहले दिन ही देख लिया। इसको देखते ही वो समझ गए कि ये वही अजाब है जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आगाह किया था। ये अजाब उन पर नाजिल होकर रहेगा, और वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में भी जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी। इस पर वो लोग डर गए और उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर अजाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाजिल होकर रहेगा, जल्दी करो, सब जमा हो जाओ। चुनाचे उन्होंने ये इत्तफाक किया कि ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था। अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल वही अजाब है। तुम अल्लाह के अजाब से निजात नहीं पा सकोगे। इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। चुनाचे उनकी अदम मौजूदगी में ही सब के सब, यानी 120,000 के करीब लोग ईमान ले आए। उन्होंने पेवंद लगे कपड़े पहने और अल्लाह के हजूर आजजी, इनकसारी और आजारी शुरू कर दी। अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे और रोने लगे। इसी हालत इजार में बाहर खुले मैदानों में निकल आए। उनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि माँ और बेटे को भी जुदा कर दिया। अपनी अपनी जगह पर सब आहोजारी करने लगे ताकि उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। ये अजाब 3 दिन तक उनके सरों पर मंडलाता रहा, और ये भी मुसलसल आवजारी करते रहे, माफियां मांगते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने रहम करम फरमा दिया और अजाब को उनसे फेर दिया। अल्लाह ताला सूरत यूनुस आयत 98 में फरमाते हैं, चुनाचे कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना उनके लिए फायदेमंद होता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक वक्त के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद कौम थी जो अजाब इलाही के असार देखकर सारी की सारी ईमान ले आई। ये अल्लाह ताला के अजायबात में से एक है और उसकी कुदरत और रहमत की निशानियों में से है। अब दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से बाहर निकल कर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लगा हुआ था। अल्लाह ताला सूरत सफात आयत
140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती में पहुंचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठी, समंदर में तुगियानी आई, यूं लगता था कि अभी सब गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनाचे लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हल्की ना हुई। अब वो कहने लगे, किसी को समंदर में गिराना ज़रूरी है ताकि कश्ती मज़ीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कूड़ा डालो, जिसके नाम का कूड़ा निकलता जाए उसे समंदर में डाल दो, और बार बार ये अमल दोहराओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कूड़ा डाला गया, सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, ये तो ऐसे नहीं है, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो, फिर कूड़ा डालो। चुनाचे फिर कूड़ा डाला गया, फिर उन्हीं का नाम निकला। सब ने ताज्जुब किया, तीसरी बार फिर कूड़ा डाला गया, इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। अल्लाह ताला सूरह सिफात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कूड़ा अंदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। फिर लोगों ने पकड़कर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में गिरा दिया और उन्हें मछली ने निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया, उन्हें खाना नहीं और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। ये इस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरह सफात आयत 142 में फरमाते हैं, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मुलामत करने लगे, यानी वो समझ गए कि ये जो बार बार उनका नाम कुरानदाजी में निकलता था तो वही मकसूद है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। रिवायात में आता है आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन, बाज रिवायात में आता है 7 दिन और बाज में आता है 40 दिन तक रहे। उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। सूरत अंबिया आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमाए इकराम यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र करते हैं, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, गोया ये सब अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह ताला सूरह सिफात आयत 144 और 145 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट में ही रहते, यानी अगर वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान ना करते तो मछली के पेट में ही रहते। रिवायात में आता है कि जब मछली आपको समंदर की गहराई में ले गई तो आप वहाँ आबी मखलूकात की तस्बीह की आवाज़ें सुनने लगे। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। चुनाचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली की पेट में ये दुआ मांगी। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात दी। अल्लाह ताला सूरत अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दी, और हम ईमान लाने वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में मांगी थी, क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी या उनके बाद अहले ईमान के लिए भी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास थी और सब अहले ईमान के लिए आम है। क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना? और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे रंजो गम से निजात देंगे। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शब और रोज यही दुआ करते रहे। इस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। अल्लाह ताला सूरह सिफात आयत 145 में फरमाते हैं, बस उसे हमने चटील मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। आप इसी तरह लेटे रहे, फिर अल्लाह की कुदरत आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा, जैसा कि सूरह सिफात आयत 146 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। इस कद्दू के दरख्त के मुतालिक मौरखीन बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, उनके साए में ढांप दिया गया क्योंकि उनके जिस्म से जल्द उतर गई थी। ये है अल्लाह की कुदरत और उनके पास
एक पहाड़ी बकरी भेज दी गई। वो आपके करीब आती, सर के ऊपर खड़ी हो जाती, आप दूध पीते और रफ्तार रफ्तार आपकी हालत बेहतर होने लगी और आप उठने के काबिल हो गए। तो अल्लाह ताला ने फिर आप अलैहिस्सलाम को आपकी कौम की तरफ भेजा, जैसा कि सूरत सफात आयत 148 में आता है, और हमने उसे एक लाख से ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा, बस वो ईमान ले आए और हमने उन्हें एक जमाने तक ऐश व इशरत दी। इस किस्से में बहुत ही बड़ा सबक है कि किसी भी हालत में इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए, और हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का किस्सा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।